वेलकम टू अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। आज की मेरी मम्मी चाची की न्यू रेसिपी है पंजाबी छोले। होप आप सबको बहुत पसंद आए। पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा गर्म होने पे ये मैंने एक सूखे मसाले निकाल के रखे हुए हैं, हरी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, अजवाइन। अब हम सारे मसालों को कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से उसे भूनेंगे जब तक हमारे मसाले अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने 3 प्याज काट के रखे हुए हैं, अच्छे से बारीक करके लिए। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए फ्रेंड, प्याज का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का एक बड़ा चम्मच इसमें जाएगा। अदरक लहसुन को थोड़ा पकाएं। इसकी खुशबू जब आती है अदरक लहसुन की तब पता चल जाता है कि इसका अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है। अब मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। जैसे देखा कि आपने आजू बाजू तेल आ चुका है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 चम्मच। नमक से क्या है ये टमाटर जल्दी पकेंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। टमाटर की प्यूरी पक चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें थोड़े मसाले जाएंगे। सबसे पहले गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे, काले नमक से टेस्ट और बढ़ के आता है। थोड़ा खटास के लिए मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। जितना आपको खट्टा अच्छा लगता है उतना डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैं चाट पाउडर मसाला डाल रही हूँ।
अच्छे से मिलाएं इसमें। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है इसमें। मसाला पकने के लिए 2 मिनट के लिए ढकें। अब मैंने ये इसमें काजू और खरबूजे के बीजे की पेस्ट बना के रखी हुई है, इसको आधा एक घंटा भिगो के पीस लिया है। इसकी पेस्ट बनाइए, इसको डालते जाएंगे और हलाते जाएंगे। पूरा पेस्ट में डाल के मिक्स कर लीजिए। एक मिनट के लिए फिर उसको ढक्कन लगा दें। देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छा, बहुत खुशबू आ रही है इसके मसाले की, बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के इसको मिक्स करूंगी। ये ग्रेवी का कलर और उठ के आए, जितना ज्यादा पकाएंगे उतना टेस्ट बढ़ के आएगा। अब इसको 2 मिनट के लिए फिर ढके। देखिए फ्रेंड, अभी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें जाएगा, मैं अदरक के छोटे छोटे स्लाइस काट के रखेंगे, इसमें डालेंगे। काबुली चने जो हमने बॉईल किए हुए थे वो अब हो चुके हैं और अच्छे से मैश भी हो रहे हैं। अब हमने बॉईल किए चने डाल देंगे। पूरा मसाला चने में छोले में लग जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। आप जितना चाहो उस हिसाब से ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। देखो छोले ढोरे के साथ ऐसे ही ग्रेवी के छोले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इतना ही पानी डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे।
मैंने छोले अच्छे से पक चुके हैं, ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी रेडी है। अब लास्ट में इसमें चना मसाला जाएगा। छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हरी धनिया का बहुत सीजन चल रहा है, बहुत अच्छा धनिया आ रहा है, उसकी डंडियां भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको थोड़ा बारीक बारीक काट के इसमें डालेंगे। इस खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैं थोड़ी इसमें कसूरी मिर्ची क्रश करके डाल दूंगी। इसमें धनिया, कटा हुआ धनिया डालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे गर्मा गर्म छोले बनके तैयार है। हमने अपने छोलों के साथ भटूरे बनाए हैं। आप इसे रोटी या पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। हम भटूरे की रेसिपी अपने आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। अब हम अपने गर्मा गर्म छोले भटूरों के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल यूनिक फूड एंड फ्लेवर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप और रेसिपीज वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करिएगा।